जेल में बंद बीमार लालू की बेल का विरोध करने वाली बीजेपी बलात्कारी राम रहीम के पैरोल का समर्थन कर रही है। चारा घोटाले में दोषी पाए गए लालू को खतरनाक बताने वाली बीजेपी बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम से हमदर्दी दिखा रही है। न्यायपालिका में विश्वास दिखाने वाले नेता लालू के आचरण पर संदेह जताने वाली बीजेपी एक बलात्कारी के आचरण को साफ सुथरा बता रही है। बिहार में चरवाहों, गरीबों और किसानों के सबसे बड़े नेता की बेल को गैर जरूरी बताने वाली बीजेपी हिंसक एवं दंगाई राम रहीम को खेती करवाने के लिए छुड़ा रही है। क्या आम जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी राम रहीम के जरिए वोटों की फसल उगा रही है? बलात्कारियों और अपराधियों के साथ खड़ी होकर भाजपा अपना राजनैतिक धर्म निभा रही है। समर्थकों को संत और विरोधियों को अपराधी बताकर बीजेपी खतरनाक न्यू इंडिया बना रही है। नमस्कार, मैं तान्या यादव, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी पाए गए राम रहीम को न्यायपालिका में भरोसा नहीं है। उनके समर्थक सड़कों पर आकर हिंसा करते हैं, पीड़ितों, वकीलों और जज तक को मारने की धमकी देते हैं। ऐसे माहौल में दिल्ली, हरियाणा और यूपी में धारा 144 लग जाती है। दहशतगर्दी के इस माहौल में 30 से ज्यादा जाने चली जाती हैं। मतलब राम रहीम का रिकॉर्ड ये कहता है कि उनकी रिहाई बेहद खतरनाक है। उनके समर्थकों का उग्रवादी रिकॉर्ड ये कहता है कि इस बाबा के इशारे पर बड़ी हिंसा हो सकती है। फिर भी भाजपा सरकार को राम रहीम में संत नजर आता है। सीएम खट्टर को तो राम रहीम में एक मेहनतकश किसान नजर आता है, इसलिए खेती किसानी के लिए राम रहीम के पैरोल का समर्थन कर रहे हैं। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी समर्थन में बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ 71 साल का एक बुजुर्ग नेता है जो न्यायपालिका में पूरा विश्वास रखता है। तमाम रिपोर्ट्स खुलासा करती रही हैं कि लालू यादव को चारा घोटाले में जबरदस्ती फंसाया गया है। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के बदले में सबक सिखाया गया है। फिर भी लालू ने कभी न्यायपालिका का अपमान नहीं किया, जब जो फैसला आया पूरा सम्मान किया। और पिछले 2.5 दशकों में कई बार वो जेल भी गए, इस समय भी वो रांची के जेल में हैं। गंभीर बीमारियों से उनकी जीवन पर खतरे के मद्देनजर परिवार बार बार बेल की डिमांड कर रहा है, लेकिन बीजेपी और नीतीश की सरकार इसका विरोध कर रही है। न्यायपालिका को चुनौती देने वाले राम रहीम के पैरोल का समर्थन और न्यायपालिका में आस्था रखने वाले लालू के बेल का विरोध करने वाली भाजपा की इसी दोगली नीतियों का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। आशीष यादव लिखते हैं, राम रहीम को पैरोल, लालू यादव को क्यों नहीं, जबकि वो बीमार हैं, ये दोगली बातें क्यों? मृणाल कुमार लिखते हैं, लालू यादव भी सोच रहे होंगे कि रथ यात्रा के दौरान अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, फिर भी उनके मामले में उनकी इतनी दुर्गति क्यों की जा रही है, जबकि चारा घोटाले का असल सरगना जगन्नाथ मिश्र बेल पर ही जेल से बाहर है, वो भी बीमारी के बहाने। इसी बात को विस्तार में समझाते हुए इंजीनियर विपिन सिंह यादव लिखते हैं, लालू यादव 71 साल के हैं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी और दिल की बीमारी है, तबीयत लगातार बिगड़ रही है। इलाज के लिए दिल्ली आए थे तो कोर्ट और प्रशासन ने हवाई जहाज से आने की भी इजाजत नहीं दी। चारा घोटाले के आरोपी हैं, कोई बलात्कार या हत्या का मुकदमा नहीं है। जमानत पर छूटने के बाद कोई घोटाला भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी संवैधानिक पद पर वो नहीं है। हरियाणा सरकार बलात्कार के सजायाफ्ता मुजरिम बाबा राम रहीम को पैरोल पर छोड़ने की सोच रही है और लालू यादव की जमानत का बिहार सरकार लगातार विरोध कर रही है। मतलब साफ है कि पक्ष में रहोगे तो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की सजा पाकर भी बाहर आ जाओगे, और विरोध करोगे तो कितने भी बीमार हो जेल में ही रहोगे। क्या यही है नया भारत? सच में हम सबको यही पूछना होगा, क्या यही है नया भारत, जहां बीजेपी का समर्थन करने वाला व्यक्ति कितना भी खतरनाक होगा उसकी सिफारिश की जाएगी, उसका समर्थन किया जाएगा और मौका मिले तो उसे संसद में भेजा जाएगा, मंत्री भी बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी का राजनीतिक विरोधी नेता न्यायपालिका के प्रति कितना भी आस्थावान हो, उसका हर हाल में विरोध किया जाएगा, उसको हर संभव नुकसान पहुंचाया जाएगा। सोचिए बीजेपी का ये न्यू इंडिया कितना खतरनाक होगा, जिसमें सही को गलत और गलत को सही बताया जाएगा।